लोग मैदान से निकले बाहर पुतला फूलने के बाद रामलीला की परंपरा 130 वर्ष पुरानी है और उस समय के आचार्यों ने ऐसा अन्य ग्रंथों के आधार पर निर्णय किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि भगवान श्री राम के 31 बाण लगते ही रावण का प्राणांत हो गया, किंतु अन्य ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि श्री राम के बाण लगने के बाद भी रावण का प्राणांत नहीं हुआ था, वह घायल होकर गिरा और तब श्री राम ने लक्ष्मण को उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके निकट भेजा और तो रावण ने संसार से जाते जाते भी महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। रावण के नाभि का अमृत सूख चुका था तो उसने यह विचार किया होगा कि मैं ऐसे दिन अपना शरीर त्यागूं जब आकाश से अमृत की वर्षा होती है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इसलिए रावण ने शरद पूर्णिमा के दिन अपने शरीर का परित्याग किया और उसी ग्रंथ के आधार पर हमारे कन्नौज के भीतर शरद पूर्णिमा के दिन रावण वध का मंचन भी